आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, आपका दोस्त और होस्ट के बी जानी। दोस्तों, आज हम सूफ़ी म्यूज़िक का ज़िक्र करेंगे और सूफियाना रंग के कुछ ख़ास कलाम आपकी नज़र करेंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हैदराबाद में इन दिनों दो नौजवान सूफ़ी गुलोकार जो काफ़ी धूम मचा रहे हैं और उनका ख़ुद का एक बेहतरीन बैंड है जिसके ज़रिए भी वो काफ़ी महफिलों में रौनक बख्शते हैं। खादरी ब्रदर्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। मोहम्मद सोहेल खान खादरी, मोहम्मद समीर खान खादरी, जो आज हमारी इस महफिल में हैदराबादी सितारे की रौनक बने हैं। दोनों ब्रदर्स का हम खैर मकदम करते हैं इस प्रोग्राम में। मोहम्मद समीर खान खादरी, मोहम्मद सोहेल खान खादरी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद समीर खान खादरी और मेरे भाई मोहम्मद सोहेल खान खादरी। तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम सियासत टीवी की तमाम टीम का, के वी जानी साहब का, कि उन्होंने हमें इस खूबसूरत प्रोग्राम में दावतनामा दिया। बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मैं तमाम नाज़रीन का। शुक्रिया जी। चलिए, हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप इन दिनों हैदराबाद में हो या फिर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मुकामात पर जो सूफ़ी बैंड के ज़रिए अपनी एक अलग शिनाख्त बनाई, तो इसकी जो शुरुआत हुई वो किस तरह, आप हमें बताइए। देखिए के बी जानी साहब, एक्चुअल में हमारी जो शुरुआत हुई वो बचपन ही के दौर से हुई। जी जी। यानी हमारे जो बड़े भाई थे मोहम्मद मुजाहिद खान खादरी साहब, वो जो है अक्सर आपने देखा होगा मसाजिद में जो है इब्तदाई तालीम फजर के बाद से ही शुरू होती थी, दीनी तालीम। तो उस वक्त होता ये था, आपके क्लासेस स्टार्ट होने से पहले जो है हमद और नात पढ़ी जाती थी अक्सर, और वो लाउड स्पीकर्स में पढ़ी जाती थी। तो हम लोग उस वक्त जो है छोटे थे, तो उस वक्त हम लोग की ये ख्वाहिश थी कि हम लोग भी बड़े होकर इस तरीके से नाच पढ़े। जी। तो बचपन ही के दौर से, मैं 7 साल का था और ये मेरे भाई 2 साल छोटे हैं, तो आप 5 साल के थे, तो उसी दौर से जो है हम लोग ने एक ख्वाहिश पैदा की अंदर के, हम लोग भी बड़े होकर सनाखानी करेंगे, सरकार की नात पढ़ेंगे। अच्छा। जी हाँ, तो तभी से ये शुरुआत हमारी हुई। और उसके साथ आगे बढ़ते 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 ये चीज़ जो है सूफी सिंगिंग में भी तब्दील हो गई आगे चलकर। सही है। जिस तरीके से हमारा शौक बढ़ता गया, तो जिस तरीके से एक आर्टिस्ट का एक काम होता है कि वो अपनी कला इस तरीके से पेश करे कि सामने वाली ऑडियंस क्या चाहती। अगर आप अपनी ही जो है लॉ में बढ़ते रहेंगे तो आपकी जो सलाहियत है वो तो बराबर सही है, मगर आपको जो है ऑडियंस का भी ख्याल रखना चाहिए। तो हम लोग ने वो चीज़ जो है बड़े लोग से भी मशवरा किया, कई जो है असातिज़ा, जैसे कि मैंने आपको जिक्र किया, पहले जो हमारे उस्ताद है वो बड़े भाई ही हैं। जी बिल्कुल। फिर जो अगले हमारे उस्ताद है मोहम्मद खलील खादरी साहब, मरहूम हैं आप, उनसे भी हमने जो है कई चीज़ें सीखी। फिर जो है हम लोग ने आगे बढ़कर जो है सुर ताल वगैरह जो होता है उसकी भी इब्तदाई तालीम के लिए जो है उस्ताद नजमुद्दीन जावी साहब से इब्तदाई तालीम सुर ताल वगैरह में, सारे गमा पादानी सब एक्सरसाइज के लिए वो भी जो है हमने लिया। इसी तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते अब जैसे कि कॉरपोरेट्स इवेंट्स वगैरह होते हैं और शादी वलीमा की तकारीब होते हैं, तो हमारे जो अजीज़ अकारीब दोस्त अहबाब वो लोग हम लोग को बुलाते थे। इब्तदाई में तो हम लोग जो है घर में पढ़ते थे, सबसे पहले मसाजिद में पढ़ते थे, फिर उसके बाद जो है मदरसे वगैरह में पढ़ते पढ़ते एक टाइम ऐसा आ गया कि हम लोग को हर जगह बुलाना शुरू करे लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो इंस्पिरेशन है वो आपके बड़े भाई हैं। जी जी। और आपके बड़े भाई इन दिनों क्या करते हैं, आपको देखकर सिर्फ खुश होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये समझिए कि हम लोग जो आज आपके साथ इस खूबसूरत प्रोग्राम में मौजूद है, ये भी हमारे बड़े भाई वालिदैन की ही तवज्जो का नतीजा है जो हम यहाँ पे आपके सामने मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हीं की काविशों की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारी जुस्तजू थी, मगर उसके पीछे जो बैकग्राउंड में जो वर्क था वो हमारे बड़े लोगों का ही वर्क था, जिसकी वजह से हम यहाँ पे मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। सही बात, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए, मैं चाहता हूँ समीर साहब कि वो पहला कलाम जो आप लोगों ने पेश किया होगा, अगर आपको याद आता हो तो
हमारे नाज़रीन के लिए ज़रूर पेश करें। बेशक बेशक, उससे कबल मैं उस कलाम से कबल जो है अल्लाह तबारक तआला की शान में चनशार हमद पेश करके इस कलाम को पेश करूँगा। مالك الملك لا شريك له وحده لا إله إلا هو شمس تبري شمس تبریز گر خدا تدبی خوشبو کا لا الہ الا ہو تیرے ہی نام سے تیرے ہر ابتدا ہے تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے سبحان اللہ 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 یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسمان جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسمان جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تب نہ تھا کچھ یہاں تب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو اللہ ہو 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 اس کے بعد جو ہم نے بچپنے میں جو سب سے پہلا ہمارا کلام تھا جس کلام کی شروعات جو ہے ہم لوگ نے کی نعت خوانی میں جس کلام کے ذریعے سے ہم لوگ نے ثنا خوانی شروع کی اس کلام کو پیش کروں گا ضرور اس کلام کی جو ہے پہلی جو اشعار کی لائن ہے وہ میں پہلے کہہ دوں دربار محمد کا خرینہ ہمیں دے دوں سبحان اللہ دربار محمد کا خرینہ ہمیں دے دو خرینہ ہمیں دے دو دربار محمد کا خرینہ ہمیں دے دو خرینہ ہمیں دے دو دربار محمد کا خرینہ ہمیں دے دو خرینہ ہمیں دے دو دربار محمد کا خرینہ ہمیں دے دو دربار محمد کا قرینہ ہمیں دے دو قرینہ ہمیں دے دو تم سارا جہاں لے لو مدینہ ہمیں دے دو مدینہ ہمیں دے دو تم سارا جہاں لے لو مدینہ ہمیں دے دو مدینہ ہمیں دے دو اور تم لے لو جوہی چمپا گلاب اور چمبیلی گلاب اور چمبیلی تم لے لو جوہی چمپا گلاب اور چمبیلی گلاب اور چمبیلی محمد کا پسینہ ہمیں دے دو
पसीना हमें दे दो, दो बूंद मोहम्मद का पसीना हमें दे दो, पसीना हमें दे दो, और तशरीफ लाए जिस घड़ी सरकार दो जहां, तशरीफ लाए जिस घड़ी सरकार दो जहां, वो साल वो घड़ी वो महीना हमें दे दो, महीना हमें दे दो, तुम सारा जहां ले लो मदीना हमें दे दो, मदीना हमें दे दो। बहुत खूब, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमें ये बताइए कि जब आपने बताया कि आपके बड़े भाई से आपने ये सारी चीज़ें सीखी, तो कादरी ब्रदर्स जी, ये दो लोग हैं समीर सोहेल जी, तो जो आपके तीसरे भाई, उनको दिलचस्पी ख़त्म हो गई आप लोग आगे बढ़ने के बाद, या फिर वो भी कभी कभी किसी महफिल में आपका साथ देते हैं, उस बारे में बताइए। उमूमन ये होता है, बड़े भाई होने की वजह से, घर के बड़े होने की वजह से उनके ऊपर जो है दूसरी जिम्मेदारियां आयद हो गई। अच्छा। जिसकी वजह से जो है उन्होंने ये तवज्जो दिलाई कि आप लोग महफिलों में जाया करिए, मैं फलां मसरूफियात में जो है मसरूफ रहूँगा, यानी वो अपनी जॉब पर बिजी रहते, उस वजह से जो है वो उमूमन जो है स्टेज के महफिल्स पर या स्टेज के कोई प्रोग्राम में हमारे साथ नहीं आया करते हैं। मगर अक्सर ये होता है जब भी प्रोग्राम होता है वो खुसूसी टाइम निकालकर हमारे साथ आते हैं, मगर अक्सर आपने देखा होगा कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, सामने तो हम लोग नज़र आते हैं मगर हमारे बैकग्राउंड में वो भाई लोग ही रहते हैं जो हमारे साथ में आते हैं, यानी हम लोग को घर से लेकर जो है प्रोग्राम तक पहुँचाने में जिनका हाथ होता है वो बड़े भाई वगैरह वाली साहब वगैरह रहते हैं, और कई सारे साथी वगैरह भी है वो लोग साथ में ही होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। और उमूमन स्टार्टिंग के जो दिन थे जब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ भी पढ़ते थे, यानी जिस दिन हॉलीडे होती थी संडे के दिन, ऐसा जिस दिन जो है मसरूफियात से खाली होते थे, उस वक्त जो है हमारे साथ महफिल में मौजूद होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आप ये जानिए कि हम लोग जो है बड़े भाई के सामने बिल्कुल 0% है। हाँ, वो काम में मौजूद होने के बावजूद भी अभी भी अगर उनको कहा जाए कि फलाना आतिश शरीफ आप सुनाइए तो बेहतरीन अंदाज में सुनाएंगे। जैसे कि आप उमूमन एक एग्जांपल देता चलूँ कि जुल्फ़िकार हुसैनी साहब, बल्कि मरहूम सना खान रसूल गुजरे हैं पाकिस्तान के उमूमन, तो उनके अंदाज जिस तरीके से होता था उसी अंदाज में मेरे बड़े भाई पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये समझिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ ही होते हैं, और ये समझिए सामने नजर नहीं आते मगर बैकग्राउंड में वही होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, चलिए अच्छी बात है। बहरहाल जब सूफियाना रंग का हम जिक्र करें जी, क्योंकि इन दिनों हर तरफ सूफियाना रंग के चर्चे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो कब आप लोगों के जहन में आया कि भाई हम तो नात पढ़ते हैं, सूफियाना रंग के कलाम पेश करें और फिर लोग इसको किस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे या नहीं फिर, क्योंकि देखिए नातिया महफिल जो होती है जी, वो अलग तरह की महफिल होती है जी हाँ, क्योंकि वहाँ पर कोई म्यूजिशंस नहीं होते जी, साथ में कोई बैंड नहीं होता जी, बल्कि सिर्फ आप होते हैं, माइक होता है, फिर आप कलाम पेश करना जी हाँ। लेकिन ये जो ट्रेंड जो चल रहा है सूफी का, तो उसको अडॉप्ट करना, फिर उसके साथ परफॉर्मेंस करना और फिर एक मुकाम एक लेवल तक पहुँचना बड़ा चैलेंज होता है जी, तो वो किस तरीके से आप लोगों ने किया उस बारे में बताइए। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन आपने ये जो है सवाल किया है हमसे कि देखिए जानी भाई, उमूमन ये होता है कि स्टार्टिंग में जब इब्तदाई हर चीज़ इब्तदा से शुरू होती, इब्तदा से होकर एक मंजिल तक पहुंचती है, तो इब्तदाई दिनों में जिस तरीके से हम लोग सनाफानी करते थे, तो उस वक्त हम लोग बचपन में जो है कम उम्री में थे, तो हम लोग को जितने चीज़ें सिखाई जाती थी, यानी बड़े भाई से कहा जाता था कि फ़लाँ नात शरीफ पढ़िए आप, तो वो जो है मार्केट से हमें जो है किताबें वगैरह ख़रीद के लाकर दिया करते थे, तो मैं समझता हूँ उस दौर में स्मार्टफोन्स वगैरह भी नहीं थे हमारे बचपन में, तो जो भी नात आपको सुनाई देनी हो टीवी पर सुनाई देंगी या कोई प्रोग्राम में सुनाई देंगी तो, या फिर ऑडियो के जरिए जी जी ऑडियो के जरिए सुन सकते। तो उस वक्त हुआ ये था कि हम लोग जब स्टार्ट करते थे
तो स्टार्टिंग के दिनों में हम लोग जब जाना शुरू करे महाफिल वगैरह में, तो वहाँ पर हमको ये पता चला कि हमारी जो नात पढ़ी जा रही है उस पर हमें दाद मिल रही है, यानी हिम्मत अफजाई हौसला अफजाई हो रही है ऑडियंस की जानिब से। मगर जब आपको एक चीज़ खसूसी मालूम होगी कि जब आप निकलते हैं फील्ड में, या ये समझिए आप कोई चीज़ के लिए जब आप सतह उसकी हमवार करते हैं, तो और चीज़ें आपके सामने आती जाती। तो हमें भी जो है पता चला कि फलां कलाम पढ़ना चाहिए, फलां बुजुर्ग का कलाम भी पढ़ना चाहिए। तो और भाई साहब ने जो सिखाया था वो तो नाते हमने पढ़ा करते थे, उसके साथ साथ जो हमारे दूसरे उस्ताद मोहतरम हैं मोहम्मद मरहूम मोहम्मद खलील अहमद कादरी साहब, उनसे हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ की तालीम मिली कि हम्द किसे कहते हैं, नात कैसे हम्द कहते हैं, की तारीफ़ क्या है, किसकी शान में पढ़ी जाती है, और नात किसे कहते हैं, बुनियादी चीज़ें बुनियादी उन्होंने बताई। चीज़ें आदाब जो होते हैं उन्होंने बताई। और अक्सर उनके कलामों में होता ये था कि जो है कलाम लिख दिए जाते थे, अब उसमें 10 अशआर होते थे, तो हमें अक्सर ये बात कहा करते थे कि आप लोग को सिर्फ और सिर्फ इसमें से पढ़ने हैं 5 अशआर। जी तो हम लोग क्वेश्चन किया करते थे, सवाल करते थे, ये 5 अशआर क्यों नहीं पढ़ने? तो जब वो हमें जो है बतलाते थे कि जो 5 अशआर जो आपको नज़र आ रहे हैं ये जो है आरिफाना कलाम है। तो ये जैसे कि दो पब्लिक होती है, एक अवामुल नास एक अवामुल खास। तो अक्सर जो है अवामुल नास में अगर आप जाकर जो है अवामुल खास के अगर कलाम सुनाएंगे तो उनके जो है अपनी ज़बान में समझिए सर पे से चले जाएंगा कलाम। तो बेशक जब हमें ये चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि फलां कलाम यहाँ पर पढ़ना है, फलां बुजुर्गाने दीन का कलाम यहाँ पे पढ़ना है, तो जब हमने एक टारगेट सेट कर लिया, फिर जब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े, तो जब पता ये चला कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं अगर उसके साथ रिदम आ जाए, म्यूजिक जैसा आ रहा है अक्सर कवाली की महफिलों में जी, होता है, बिल्कुल तो बिल्कुल हम लोग ने ये सोचा कि कवाली की महफिल में जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम ज़्यादा नज़र नहीं आएगा, तो हम लोग ये ने ये सोचा कि हम जब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह जो है थोड़ा वेस्टर्न के थोड़े वो चीज़ और थोड़ा जो है सूफियाना कवाली के दो चीज़ें मिला के ब्लेंड करके एक नए अंदाज में पुराने ही कलाम नए अंदाज नए में अंदाज में। पेश करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी शुरुआत हुई हमारी, एक प्रोग्राम हुआ, तो अब उस प्रोग्राम से कई ऑडियंस हमें जो है पसंद की, वहाँ पे कॉन्टैक्ट्स हमारे लिंक्स बढ़ने लगे, आहिस्ता आहिस्ता होते 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 तो जो है ये समझिए आपके अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हैदराबाद में पब्लिक जो है चाहने लगी। तो तभी से शुरुआत हुई, अभी तक जारी है वो हमारी सही अल्हम्दुलिल्लाह। बात, जी अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, हम जो देखते हैं, जी देखिए आप लोग दोनों मिलके ये कलाम पेश करते हैं। उमन होता है ये कि जो सूफी कलाम पेश करने का जो स्टाइल है, सिर्फ एक ही सिंगर पेश करता है, जो जी भी गुलोकार पेश करता है, सूफी गुलोकार, लेकिन यहाँ पर दो दो, और जी फिर साथ में होता है ये कि दोनों का सुर एक हो, जी तभी हाँ लोगों को जी सुनने में मसरूर होते हैं, जी अदरवाइज बहुत मुश्किल में पड़ जाता। तो ये बड़ा चैलेंज वाला मामला होता है ना, जी हाँ क्योंकि आप लोगों का आवाज और सुर एक जैसा हो तभी आप आगे बढ़ सकते जी हाँ हैं। बिल्कुल बेशक सही सही बात कहा है। आपने। अक्सर ये होता था जानी भाई प्रोग्राम्स में जब जाते थे तो हम लोग पहले ही से जो है जिस कलाम को पढ़ना होता था, या जिस नात को या जिस कव्वाली को या किसी बुजुर्गान दीन की मनखबत को जब पढ़ना होता था, तो हमारी ये आदत थी जिस तरीके से स्कूल्स में होता है कि प्रैक्टिस एग्ज़ाम्स आने से पहले आपका जो है सिलेबस पहले से प्रिपेयर होते हैं, तो हम लोग भी यही चीज़ घर में ही किया करते थे, यानी होमवर्क घर में ही करते थे पहले। घर में दस अच्छा दस बीस बीस बार हम लोग मस्क करते थे पहले। अच्छा वो मश जब पूरी मुकम्मल हो जाती तो पहले घर में बैठ के घर के लोगों को सुनाते थे, जिसमें हमारे वालिदैन हमारे नानी बड़े भाई बहन पूरे लोग शामिल होते थे। अगर वहाँ पे कुछ गलती नज़र आई तो हमारी गलती घर में ही बोल दी जाती थी कि अच्छा फलां जगह पे आपको करेक्शन करने की ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ जो है स्टार्टिंग में हमें समझ में नहीं आई, ख्वाहिशिया तौर पे हम घर में गुनगुनाते थे, मगर आगे चल के इस चीज़ से बहुत हमें फ़ायदा पहुंचा अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि घर अल्हम्दुलिल्लाह में मश्क जब करेंगे आप, तो जब ऑडियंस के सामने जब बाहर आप स्टेज पे आएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो गलती आपकी ऑलरेडी जो है मश्क होने की वजह से सुधर गई, तो जब आप लाइव जब पेश करेंगे तो जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा वो नज़र आएगा ऑडियंस सही बात। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक बात है समीर साहब, देखिए जो हाई पिच रेंज होता है, जी क्योंकि देखिए पाकिस्तान के जो मशहूर कव्वाल गुजरे जी हैं, साबरे ब्रदर्स, जी वो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ब्रदर्स, एक का सुर जी कम होता था, एक का हाई नोट होता था, जी जी जिसकी वजह से वो कोलैबोरेशन, वो बहुत लोग जो है बहुत ज़्यादा महसूस होते थे जी जी उनके अल्हम्दुलिल्लाह कलाम से, उनका बेशक प्रेजेंटेशन से, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन आप अल्हम्दुलिल्लाह लोगों अल्हम्दुलिल्लाह में
वो नहीं है, आप लोग बैलेंस में अपना कलाम पेश करते जी, हैं जी, जो भी है आप एक ही सुर में जो भी है कलाम पेश करते हैं जी, ऐसा क्यों? देखिए ये समझिए, आप आपने जिन शख्सियात का जिक्र किया वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रूहानी उस्ताद होते हैं, क्योंकि ये लोग वो शख्सियात है कि जिनसे सदियों तलक लोग सीखेंगे बेशक, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बाहयात तो उनको देखा नहीं है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम ये समझिए हमसे पहले हमारे जो बुजुर्ग वगैरह गुजरे हैं, वाली साहब मिले हमारे जी, हम हमारे वालिद मोहतरम उनसे मुलाकात करे हैं जी, जी। और बचपन में ये कहा जाता था कि हम लोग जब छोटे थे तो हमारे नाना हजरत जो है हमें गोद में लेकर सुलाते थे, तो उस वक्त रेडियो पे जो है भरदोजोली कवाली चलती थी। अच्छा, तो हमारे नाना बहुत पसंद किया करते थे साबरी ब्रदर्स। अच्छा, अब हो सकता ये समझिए आपके उस वक्त दुआ किए थे जिस वजह से हम लोग आज सनाखाने रसूल बन रहे हैं, और ये समझिए कि हम कितना भी कोशिश कर ले साबरी ब्रदर्स के जैसे तो नहीं नहीं बन सकते, सवाल ही नहीं है। तो वो लोग तो सीखे हुए थे और उनका घराना है, बेशक वो घराने से जब आते हैं तो फन लेके आते हैं, क्योंकि आप लोग तो देखिए ये शौकिया तौर पर आए और अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत अच्छा नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्हम्दुलिल्लाह है ना। ये चीज जो है हम लोग ने ये कोशिश की कि किसी की कॉपी नहीं किया जाए बल्कि खुद का जो अंदाज है उसे ही पेश किया जाए, यानी घर में हमारे वालिद साहब से और बड़े भाई से और हम लोग खुद ने भी जो है फिक्र गौर व फिक्र किया, तो ये चीज़ मालूम हुई कि आपका जो अंदाज है उसी अंदाज में जब पढ़ेंगे आप और मेहनत करके तो वही चीज़ ऑडियंस को एक टाइम के बाद पसंद आना शुरू हो जाएंगे, पसंद आएंगे। तो क्या आप लोग खुद ट्यून बनाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कंपोजिशन की जो बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल। अब जैसे देखिए उसका एक छोटा एग्जाम्पल देता चलूँ मैं, अभी जो थोड़े दिन पहले जो एक कलाम बहुत फेमस चल रहा है जिसपे इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पे भी बहुत ज्यादा उमूमन बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग कर रहा है जी। जैसे हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, तो ये अक्सर जो हमारे बचपन में जो एक कलाम पढ़ा जाता था ये था, है नजर में जमाले हबीब खुदा जिनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। अच्छा, तो उसकी जो कंपोजिशन थी जो लोग जो नाथखाने पुराने नाथखाने जो बनाई थी वो इस तरीके थी के है नजर में जमाले हबीबे खुदा जिनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलाम इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। इस तरीके की हमने जो है कंपोजिशन सुनी थी। जब 2018 में जो है मीलाद रज़ा क़ादरी इंटरनेशनल नाथखान आया तो आपका यहाँ पर दौरा हुआ था, आपका जो है इवेंट हुआ, तो उसमें हम लोग ने उनको सपोर्ट के लिए जो है कोरस के तौर पर हम लोग गए थे उनके साथ देने के लिए, और हर प्रोग्राम उनके प्रोग्राम से पहले हमें जो है मौका मिल रहा था, बेशक आप आने से पहले हमें एक आप लोग जो है सूफी सिंगिंग का मौका मिल रहा था नाथखानी का, तो उस वक्त हमने जो है यही कलाम को हमारी खुद की ओन कंपोजिशन में पढ़ा था। वो किस तरीके से आप सुनिए आप, है नजर में जमाले हबीबे खुदा जिनकी तस्वीर सीने में मौजूद है नजर में जमाले हबीबे खुदा जिनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलामे इलाही दिया जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है या नबी 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 या नबी। और मैंने माना कि जन्नत बहुत है हसी मैंने माना कि जन्नत बहुत है हसी छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं
यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। या नबी 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 या नबी। इस तरीके से एक नई कंपोजिशन हमने रेडी की जो हमारे खुद की जो है क्रिएशन थी। तो जब हमने ऑडियंस का जो रिएक्शन देखा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हौसला अफजाई हुई, कई सारे लोग ने हमें शाबाशी दी, अप्रिशिएट किया। बेशक, क्योंकि पुरानी ट्यून जिस तरीके से जब के दौर के जो लोग थे सुकून से बैठकर सुना करते, और आजकल का ये माहौल हो गया है कि हर किसी को हर चीज़ जल्दी चाहिए, और ट्यून भी अगर चाहिए तो आज के टेस्ट के हिसाब से जी। तो हमने वो नात खानी है, सरकार की नात है, तो उसका भी अदब लिहाज रखते हुए एक नई कंपोजिशन को रेडी करके पेश किया, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला हमें अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, अच्छी बात है। एक बात है, मोहम्मद समीर खान खादरी साहब और मोहम्मद सोहेल खान खादरी साहब, आप लोग दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ते में 5 दिन काम करते हैं और 2 दिन छुट्टी के होते हैं। तो इस बीच आप जो अपनी मसरूफियत के बावजूद भी प्रोग्राम्स को अटेंड करना, फिर ये जो रिहर्सल का मामला है या फिर प्रैक्टिस का मामला है, वो किस तरह अपना वक्त दे पाते हैं ये चीज़ें सीखने के लिए? देखिए, अक्सर ये होता है कि जो हमारे जॉब की जो टाइमिंग है वो तो फिक्स रहेंगी जी, उसमें कुछ भी रद्दोबदल नहीं होंगे, मगर क्योंकि अरसे दराज से हम लोग जो है 1 से 2 कंपनी में जो जॉब कर रहे हैं, उससे हमें ये छूट मिली है थोड़ी कि अगर इन केस कभी कुछ प्रोग्राम आ जाता है हमें या कुछ इवेंट आ जाता है कॉरपोरेट, तो हमें जो है पहले से ये बोल दिया जाता है कि अगर आपको कुछ अगर इवेंट है तो जो भी प्रोजेक्ट पे हमारा काम चलता है हम उसे जो है 1 दिन पहले ही, ज़्यादातर उसका यानी 2 दिन का काम 1 दिन पहले ही कर देते हैं। अच्छा, यानी दूसरे दिन हम अगर नहीं भी आए तो जो है कुछ वो चीज़ को फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस तरीके से हमारे जॉब पर तो कोई इफेक्ट नहीं होता है, मगर जैसे ही हम रात में जैसा अपना जॉब मुकम्मल होता है, अब अक्सर कोविड के बाद से तो जो है वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उसका फ़ायदा हुआ है, फ़ायदा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हुआ ये कि जो है जैसा हमारा काम की जो है लॉग आउट होता है, टाइमिंग वगैरह जैसे ही ख़त्म होती है, अब जैसे पहले से ही बुक होते हैं प्रोग्राम्स, जैसे कि आपको 15 दिन 20 दिन या 1 मंथ बिफोर से भी प्रोग्राम हमारे जो है बुक रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कभी इन केस ऐसा होता है जैसे हैदराबाद के जैसे बड़े घराने के मशायखीन के उनके प्रोग्राम्स वगैरह आ जाते हैं एकदम अर्जेंट में महफिल का प्रोग्राम, और वो शख्सियात को हम ना भी नहीं कह सकते। सही बात। तो हमें उस वक्त पे आपने जो क्वेश्चन किया, जब हमें टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है कि किस तरीके से यहाँ पे टाइम सेट करें, क्योंकि फिर दूसरे दिन हमें जो रेगुलर रूटीन है उसको भी फॉलो करना है। बेशक। तो हम उस वक्त जो है देखते हैं कि भाई टाइमिंग क्या सेट होंगी, तो हम पहले ही बोल देते हैं कि फलां टाइम से फलां टाइम तक इंशाल्लाह हम लोग मौजूद रहेंगे, फिर हम जो है फलां टाइम जो है निकल जाएंगे, क्योंकि हमें फिर दूसरे दिन हमारा जॉब रहता है। इस तरीके से वो करते हैं। और जैसे आपको खुसूसी जो है कोई छुट्टी वगैरह तातील मिल जाती है हॉलीडे, अक्सर कॉरपोरेट्स कंपनी में भी जो है आपको कुछ हॉलीडेज वगैरह मिलते हैं, तो वो हॉलीडेज में हम क्या करते हैं, जब भी खाली है उस वक्त हम कुछ कलाम निकालते हैं, या लीजर टाइम में जब रहते हैं तो हेडफोन्स लगा के सुनते रहते हैं अक्सर, और रिसर्च भी करते हैं कौन सा कलाम पढ़ा जाए। तो उस वक्त जब भी खाली हो घर में, जैसा आपने छोटे भाई साहब ने कलाम निकाला, तो वो क्या करते हैं जैसा अपने काम में रहे तो गुनगुनाते रहते हैं। अब वो व्हाट्सअप करते हैं कि भाई मैंने ये कलाम निकाला है, फलां कलाम बहुत बेहतरीन है, आप भी सुनिए। तो मैं सुनता हूँ, मैं निकालता हूँ, ये सुनते हैं, या बड़े भाई जैसे हमें रेफरेंस देते हैं फलां कलाम निकालिए, तो हम निकालते हैं। फिर जो इसके माहिर जो लोग हैं उनको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं पहले, ओके, कि उन्होंने किस तरीके का अदा किया, फिर हम उसको घर में बैठ के अपना जो अंदाज है उसमें उसको ब्लेंड करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से हमारा रूटीन चलता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहरहाल मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा। तो नाज़रीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाज़रीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन खबरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरी प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप
प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का रास टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आज हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के बहुत ही मशहूर सूफी गुलकार यानी खादिर ब्रदर से। ब्रेक से पहले आपने अपने दौर की इब्तदाई दौर की बातें बताई और किस तरह आपने शुरुआत में नातिया कलाम के बाद सूफी गुलकारी की तरफ आए। तो हमें एक बात ज़रूर बताइए कि लास्ट टाइम आप दोनों का एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ जी, जो लोगों ने काफ़ी पसंद किया और एक आप लोगों की एक शिनाख्त बनी कि भाई वाकई हैदराबाद में समीर खादरी भी है, सोहेल खादरी भी है जो इस तरह का कलाम पेश करते हैं। उस बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए। देखिए वो जो प्रोग्राम था वो जो है हमारे डॉक्टर साहब जी अमजदुल्ला खान साहब के बड़े भाई साहब के वकील साहब की बेटी की शादी का प्रोग्राम था। जी जी बिल्कुल। तो हुआ ऐसा कि जिनको मामू बोल के बहुत मशहूर है तो मामू जैसो वकील साहब के राइट हैंड है। ओके। तो राइट हैंड है, उनकी बेटी की शादी में कुछ ऐसे प्रोग्राम कराना था सूफी टाइप का, तो मामू के रेफरेंस से हम लोग को प्रोग्राम मिला था। तो वो प्रोग्राम एकदम अर्जेंट में आया था, जैसा कि परसों है बोल तो आज प्रोग्राम आया था वो। फिर वो था एग्जीबिशन ग्राउंड में था प्रोग्राम, तो वहाँ पे हम लोग ने प्रोग्राम किया। तो वहाँ पे हमारा वीडियो जो वायरल हुआ वो था बोल कफारा। तो मैं चाहता हूँ कि वो कलाम थोड़ा सा गुनगुना दें। तस्कीने दिल की खातिर तुम मुस्कुराते रहो, ओ जाने वाले दूर जाते हुए पलट पलट के नजरे मिलाते रहो, गलती कर बैठा है दिल तू बोल कफारा क्या होगा, तू बोल कफारा कफारा बोल कफारा कफारा बोल कफारा, ओ यारा बोल कफारा क्या होगा, तू बोल कफारा कफारा बोल कफारा। मोहब्बत में किया वादा मुझे सच्चा नहीं लगता, मोहब्बत में किया वादा मुझे सच्चा नहीं लगता, उसे देखा है जब से दूसरा अच्छा नहीं लगता, उसे देखा है जब से दूसरा अच्छा नहीं लगता, वो मेरा कुछ नहीं लेकिन मगर फिर भी न जाने क्यों, वो मेरा कुछ नहीं लेकिन मगर फिर भी न जाने क्यों, उसे देखूं किसी के साथ तो अच्छा नहीं लगता, उसे देखूं किसी के साथ तो अच्छा नहीं लगता। मेरे दिल की दिल से तौबा मेरे दिल की तौबा अब प्यार दोबारा ना होगा, तू बोल कफारा कफारा बोल कफारा कफारा बोल कफारा, ओ यारा बोल कफारा क्या होगा। वाह वाह वाह। तो बहरहाल ये कलाम था जिसके जरिए आप रातों रात काफी पॉपुलर हुए हैं। जी जी। समीर साहब, सोहेल साहब, एक दौर था जहाँ पर आवाज़ की काफ़ी अहमियत हुआ करती थी, आवाज़ के ज़रिए आपको मकबूलियत मिला करती थी। जी। जैसे ही हमारी ज़िंदगियों में
टेलीविज़न ने घर कर दिया, कई ऐसे रियलिटी शोज़ आए, कई ऐसे शोज़ आए जिसके ज़रिए लोग गाना सुनने के साथ साथ देखने लगे। तो इस बीच एक ग्लोकार को दौरे हाजिर में गायकी के साथ साथ फिज़िकल अपीरियंस की कितनी अहमियत बढ़ जाती है, उस बारे में बताइए। देखिए, जिस तरीके से आप खाना खाते हैं तो पानी बहुत लाजमी होता है, यानी ग़िज़ा में पानी अगर नहीं मौजूद होगा तो आपको जो है बहुत तकलीफ़ देगा। तो उसी तरीके से जब आप कोई चीज़ पेश कर रहे हैं, सूफ़ी सिंगिंग कर रहे हैं, तो पहले जिस तरीके से आपने कहा कि पहले सुना जाता था, अब ये हो गया ज़ाहरी तौर पे जो है आप उसको टेलीविज़न के ज़रिए या मोबाइल के ज़रिए या कंप्यूटर्स के ज़रिए देख भी रहे हैं लोग। तो हर ऑडियंस की जो है एक विज़न ये होता है कि फ़लाँ शख्स की पहचान जो है उसकी आवाज़ के साथ साथ उसका जो बनावट होती है, यानी पहनावा जो होता लिबास। है लिबास, वो भी वो ज़ाहिर करके उसी तरीके से वो माइंड में सेव करके रखता है उस शख्सियत। तो हमने भी ये सोचा कि हमारा जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो इस तरीके का हो कि कुर्ता पजामा सदरी। तो हमने एक ये अवतार हमने अपनाया है कि हमारी पहचान जो है सूफ़ी सिंगिंग के साथ साथ इस मलबूस में, इस लिबास में जो है हमारी पहचान हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसा होता है कि किसी रोज़ हमारा फ़लाँ मकाम पर प्रोग्राम हुआ और उसके सेकंड नेक्स्ट डे जो है अगर हम जीन्स पैंट शर्ट पहन के जॉब वगैरह पर जा रहे हैं तो वहाँ की ऑडियंस हमें नहीं पहचानेंगी। सही बात। क्यों नहीं पहचानेंगी? क्योंकि उनके जहन में हमारी जो एक शनाख्त है वो घर कर गई है। तो उसी तरीके से हमने हमारी पहचान हो उस वजह से हमारा जो है ये लिबास वगैरह हमने जो है तब्दील किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी हाँ। और लोग जैसे ही देखते हैं ये खादी ब्रदर्स आ गए हैं और फिर ये कलाम पेश करेंगे। जी जी हाँ। चलिए, एक सवाल ये है कि ऑडियंस का जो टेस्ट होता है, ऑडियंस तो तरह तरह की होती है, किस तरीके से आप लोग उनको जज कर पाते हैं कि भाई ये लोग क्या सुनना चाहते हैं, कौन सा कलाम इनको पसंद आएगा? क्योंकि आपके पास तो ढेर सारा कलाम होता है और फिर ढेर सारा कलाम पेश करने के लिए आप स्टेज पर जाते हैं जी। तो वो हमें ज़रूर बताइए कि ऑडियंस का जो टेस्ट होता है, ऑडियंस का जो मिजाज होता है, वो किस तरह आप लोग भांप लेते हैं इसमें? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से हमें जो है एक बेनिफिट ये हो गया है कि उमूमन एक शख्स जो है कलाम पेश करता है सिंगिंग के लिए, मगर हमने जिस तरीके से डुएट पढ़ते हैं तो इसमें हो गए एक से भले दो। तो अब मेरिट जब मैं पढ़ूंगा तो मैं एक तरीके से जो है टेस्ट देखूंगा पब्लिक का। जैसे मैं पढ़ रहा हूं तो मुझे जो है मैं एक फार्मूला अप्लाई करता हूं कि फला फला कलाम पेश करता हूं ऑडियंस के सामने जी। अगर वो चीज़ काम नहीं करी तो अल्लाह के फजल करम से मेरे भाई भी मेरे साथ मौजूद हैं तो वो अपना कलाम पढ़ना शुरू करते हैं। तो उससे ये होता है कि जब ये पढ़ते हैं तो ये डिफरेंट टेस्ट के कलाम पढ़ते हैं, जब मैं पढ़ता हूँ तो डिफरेंट टेस्ट के पढ़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों के पढ़ने में हमें मालूम हो जाता है कि पब्लिक को क्या चीज़ चाहिए जी। तो एक से भले दो जो आप कहावत सुनते हैं तो उसमें हमें ये बेनिफिट हासिल है कि हम जब पढ़ना शुरू करते हैं तो हम ऐसे कलाम पढ़ते हैं कि पहले देखते हैं यंग जनरेशन मौजूद है या ज़यीफ़ हज़रात मौजूद हैं हमारे सामने, तो वो मद्देनज़र रखते हैं और फरमाइशें भी मौसूल होती है, फ़लाँ चीज़ की फरमाइश की जाती है, तो हम वो मद्देनज़र रखते हुए उस स्टेज को ख्याल रखते हुए फिर अपनी सलाहियतें भी दिखाना होता है कलाम के दौरान। तो वो चीज़ दिखाते हुए पब्लिक का टेस्ट भी फुलफिल करते हैं और हमारी जो चीज़ें हैं कलाएँ वो भी दिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही बात। जो आर्टिस्ट होता है जी, उसका दायरा उतना वसी नहीं होता, नहीं, नहीं, क्योंकि उतने ज्यादा कलाम, क्योंकि ऑडियंस तरह तरह का कलाम की फरमाइश करती है, आपके जी, पास जी, वो चीज नहीं होती, नहीं होती। तब आप लोग किस तरीके से मैनेज करते हैं एज एन आर्टिस्ट, बताइए। ये छोटे भाई बताएंगे। मैनेज इस तरीके से करते हैं हम लोग कि पहले तो कोशिश करते हैं वो कलाम को अदा करने की, अगर नहीं हुआ तो जो भी हजरत हमें फरमाइश करे हैं उन्हें बुला कर बोलते हैं कि ये नहीं भाई, हम इससे अच्छा वाला आपको सुनाएंगे। क्योंकि फरमाइश जो कर रहा है उसका दिल रखना बहुत बड़ी बात रहती है, अगर अपन इसको इग्नोर करके अपनी कला बताएंगे तो उसका दिल टूट जाएगा, वहाँ पे अपना पूरा प्रोग्राम फेल हो जाता। तो सामाईन की इज्जत करना है सबसे पहले, उनका दिल रखते हुए अपनी महारत बतलाए तो जब उन लोग को पसंद आएगा वो। सही बात। आप दोनों ने अजमेर की बारगाह में अल्हम्दुलिल्लाह जो वहाँ पे
कलाम पेश किया था और वो शूट हुआ, वो एल्बम काफ़ी हिट भी रहा, उस बारे में हमारे नादरीन को ज़रूर बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए हमारी ये ख्वाहिश थी, पहले से ही ये ख्वाहिश थी कि जब हमारा कलाम बने तो कोई एक मौजज़ बुजुर्ग की बारगाह की जो है से हमारी शुरुआत हो। तो हमने सोचा भी नहीं था कि हम जो है इस मकाम पर जाएंगे और वहाँ पे ये चीज़ अदा करेंगे। उमूमन हुआ ये कि हम ऑफिस में बैठे थे तो कुछ एक वर्क कर रहे थे, तकरीबन एक माह से काम चल रहा था वो। तो अक्सर ये होता है, अब प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं हम लोग तो कोई चीज़ जो है डिफ़िकल्टीज आने की वजह से वो प्रोजेक्ट डन नहीं होता है। तो कर रहे जब बैठे तो लीजर टाइम जब होता है तो उस वक्त में जो है अक्सर हम लोग जो है सूफ़ी कलाम खवाली वगैरह सुनते हैं मशहूर लोगों के, जैसे नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, साबरी ब्रदर्स, अज़ीज़ मियाँ वगैरह, ये बड़े बड़े शख्सियात के कलाम सुनते हैं। तो बैठे बैठे जो है हमारे दिल में एक ख़्याल आया, गरीब नवाज सरकार की बारगाह की तरफ ख़्याल गया। तो हमारे दिल से मतलब ये आवाज़ आई कि दिल में है अजमेर वाले ख्वाजा हिंदलवली, हम गरीबों के सहारे ख्वाजा हिंदलवली, काम मेरे सब तुम्हारे नाम से हो जाएंगे, हो करम की एक नज़रिया ख्वाजा हिंदलवली। तो हुआ ये कि ये कलाम होने के बाद जो है लंच वगैरह किया मैंने, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा काम एक महीने से पेंडिंग था वो कलाम मुकम्मल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। आप ये जानिए, फिर घर से जो है वाली साहब का फ़ोन वगैरह आता है, फिर मेरे जो भाई वगैरह थे उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अजमेर शरीफ को जाने का प्लान चल रहा है। अच्छा, तो उसी दौरान जो है विती ने वीक जो है हमारा ये वोकल्स रिकॉर्ड हुआ। अच्छा, जो मैंने जो कलाम वहाँ पे पढ़ा है सूफी कलाम वो मेरे अंकल ने लिखा है, मोहम्मद अच्छा। खलील अहमद कादरी साहब ने, और जो मेरे भाई साहब ने पढ़ा है वो सैयद साहब बोल के है, उनके कलाम हमने जो है रिकॉर्ड किए विद इन ए वन मंथ। जो है वो आप यूके और पाकिस्तान वगैरह से मिक्सिंग मास्टरिंग होके आई वो कलाम, फिर उसके बाद जो है उसका ट्रैक रेडी हो गया हमारे पास, फिर अल्हम्दुलिल्लाह टिकट्स वगैरह बुक हो गए, हम लोग वहाँ पर पहुँचे और अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज़ हासिल हुआ अल्लाह ताला के फजल व करम से कि गरीब नवाज सरकार की बारगाह में अक्सर आपको उमूमन जो है शूट करने की इजाज़त नहीं है, यानी ऑफिशियल आप कोई कैमरा वगैरह लेकर अंदर शूट नहीं कर सकते आप, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमें इजाज़त मिली और जो शाहजहानी मस्जिद है वहाँ पर, वहाँ पर हमारा कलाम अल्लाह के फजल व करम से रिकॉर्ड हुआ और फिर रमज़ान में रिलीज़ हुआ, यानी रजब के महीने से पहले हम लोग वहाँ पर गए शूट करे। 5 दिन का हमारा वहाँ पे स्टे था जिसमें से 2 दिन हमारी शूटिंग हुई वहाँ पे, फिर रिटर्न आए, 2 महीने का बीच में वक्फा हो गया। फिर उसके बाद रमज़ान में जो है जुम्मतुल विदा के दिन जो है मेरा कलाम रिलीज़ हुआ और ईद उल फित्र के दिन जो है छोटे भाई साहब का कलाम रिलीज़ हुआ। ये हम समझते ही हमारी खुशनसीबी है कि ख्वाजा हिंदलवली अताए रसूल की बारगाह से जो है हमारा कलाम मौसूल है। ये देश है ख्वाजा का, ख्वाजा मगर राजा का, चलता गया गासी का, चलता गया गासी का, ख्वाजा महाराजा का। तो इंशाअल्लाह ताला जब भी इन फ्यूचर हमारे कलाम और भी रिकॉर्ड होंगे मगर हमारी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री रहेंगी वो गरीब नवाज सरकार की बारगाह से ही स्टार्ट होंगी इंशाअल्लाह ताला। ये खुश नसीबी है हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह के और भी एल्बम्स तैयार करने का इरादा रखे हैं हम लोग? जी तो, जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपको इन फ्यूचर जो है बहुत सारे हमारे एल्बम्स मिलेंगे जिसमें सूफी एल्बम्स रहेंगे और नुसरत फतेह अली खान साहब के पढ़े हुए गज़लियात के भी एल्बम्स मिलेंगे और इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम वो कलाम जो है अपने अंदाज में पढ़ें, क्योंकि हम उनकी बराबरी तो नहीं अदा कर सकते मगर हम जितना हो सके कोशिश करके जो है पेश करने की जो है कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। सही बात, बहरहाल हमारी भी नेक ख्वाहिशात आप दोनों के साथ है, आप इसी तरीके से अपनी जर्नी जारी रखें और सूफियाना रंग की महफिलें भी अटेंड करें, क्योंकि आप लोगों का खुद का बैंड है सूफी बैंड, उसके ज़रिए भी आप लोग इसी तरीके से प्रोग्राम करते रहें। तनवीर मोहम्मद है चेहरा मेरे ख्वाजा का, तनवीर मोहम्मद है चेहरा मेरे ख्वाजा का, काबा है फकीरों का।
जलवा है फकीरों का, रोजा मेरे ख्वाजा काबा है फकीरों का, रोजा मेरे ख्वाजा का। जिसको ना यकीन आए अजमेर चला जाए, जिसको ना यकीन आए अजमेर चला जाए। बटता है वहाँ घर घर, बटता है वहाँ घर घर, लंगर मेरे ख्वाजा का। बटता है वहाँ घर घर, लंगर मेरे ख्वाजा का। वो लाए है जन्नत से खुशबू है मदीने की, बुलाए है जन्नत से खुशबू है मदीने की। गूंदा है फरीसों ने, गूंदा है फरीसों ने, सेहरा मेरे ख्वाजा का। गूंदा है फरीसों ने, सहरा मेरे पाजा। और एक जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहा है हमारा कलाम, ये भी सुनाने की सआदत हासिल कर रहे हैं आपको। तुमको पाया है जमाने से किनारा करके, तुमको पाया है जमाने से किनारा करके, तुमको पाया है जमाने से किनारा करके। तुम बदल देते हो मेरे ख्वाजा, तुम बदल देते हो किस्मत को इशारा करके। तुम बदल देते हो किस्मत को इशारा करके। तुझे क्या बताऊं ऐ राजदा, तेरे सामने मेरा हाल है। तुझे क्या बताऊं ऐ राजदा, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक निगाह की बात है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। जाने जाना तुम बदल देते हो किस्मत को इशारा करके, तुम बदल दे ते हो किस्मत को इशारा करके। पत्थर को एक नगीना समझ कर उठा लिया, पत्थर को एक नगीना समझ कर उठा लिया, दुनिया ने मुझको प्यार से सर पर बिठा लिया, दुनिया ने मुझको प्यार से सर पर बिठा लिया। मैं कैसे भूल जाऊं तुझे ऐ मेरे ख्वाजा, मैं कैसे भूल जाऊं तुझे ऐ मेरे ख्वाजा। मुझे से एक फकीर को अपना बना लिया, जाने जाना तुमको पाया है जमाने से किनारा करके। तुम बदल देते हो किस्मत को इशारा करके। वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता कि बहुत सारी बातें आपसे की जा सकें। बहरहाल आप लोग आए, इतना वक्त दिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और बहुत अच्छे अच्छे कलाम आप लोगों ने पेश किए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हम दोनों भाई खादरी ब्रदर्स, हमारी दिल की अता गहराइयों से आपको और तमाम सियासत टीवी की तमाम जितनी टीम है तमाम का जो है दिली शुक्रिया अदा करते हैं कि हम नाचीज़ को आपने जो है इस शो में बुलाया अल्हम्दुलिल्लाह, और ये एजाज़ बख्शा कि आपके जो है इस खूबसूरत प्रोग्राम में हमें दावत दी। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपके। जज़ाकअल्लाह खैर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।
तो नाजरीन आज के लिए इतना ही, ऐसे ही सितारों के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट के भी जाने को इजाजत दीजिए। अल्लाह